कर दोस्तों, आज हम ये एक टोकरी है दीवार में टांगने वाली प्लास्टिक की, आज हम इससे दीवार में टांगने के लिए सीमेंट का पॉट बना लेंगे। घर पे ही आसानी से बन जाएगा ये, और सीमेंट के पॉट में पौधे मरते भी नहीं हैं। प्लास्टिक के में हम लगा देते हैं तो जड़ उसकी यहाँ पे गर्म हो जाता है ये, और पौधे मर जाते हैं हमारे। इसलिए हम इससे सीमेंट का पॉट भी आसानी से बना करके टांग सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए दोस्तों मैंने तीन भाग जो है इसमें बालू मोटा वाला रेत ले लिया है रिवर सैंड, और एक भाग मैंने इसमें सीमेंट का ले लिया है। इस रेशो से हम इसको तैयार कर लेंगे। इसमें पानी डाल लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें दोस्तों ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इसको हमें थोड़ा गाढ़ा ही रखना है, नहीं तो ये बहने लगेगी। इसको दोस्तों मैंने इस तरह का बना लिया है, ये पानी डाल करके, ये ज़्यादा पतला नहीं किया है मैंने, नहीं तो ये बहने लगता है और फिर ये किनारों पे चिपकता नहीं है। काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हमारे किनारों पे सीमेंट चिपकती नहीं है। दोस्तों इसको बनाने से पहले हम इस पॉट के अंदर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। मेरे पास सरसों का तेल है, मैं ये लगा लेता हूँ। आपके पास में कोई भी सिर में लगाने वाला तेल या आपके किचन में जो भी आप रिफाइंड इस्तेमाल करते हैं वो आप इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने इसमें चारों तरफ तेल लगा लिया है। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हमारी तेल लगाने के बाद में सीमेंट चिपकती नहीं है। तो दोस्तों आप सीमेंट थोड़ी सी गाढ़ी लेंगे तो वो चिपक जाती है, ज़्यादा पतली लेंगे तो वो चिपकेगी नहीं। तो दोस्तों इसमें मैंने सादा सीमेंट डाल लिया, ऑर्डिनरी सीमेंट है ये, और इसको पानी डाल करके मैंने इस तरह से घोल करके गाढ़ा पेस्ट बना लिया है। और अब हम इस पेस्ट को जो है इस पॉट के अंदर चारों तरफ फैला लेंगे इस तरह से, और इसकी एक लेयर बना लेंगे। दोस्तों ये सरसों का तेल लगाने के बाद भी देखिए चिपक रहा है। लोग मुझसे कहते हैं कि हमारी सीमेंट चिपकती नहीं है, तो वो ज़्यादा पतला ले लेते हैं या तो पेस्ट। तो दोस्तों इस तरह से हमने चारों तरफ ये फैला करके इस पे लगा ली है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी सूखी सीमेंट छिड़क देंगे। ये थोड़ी सी सूखी सीमेंट लेकर के हम इसके ऊपर छिड़क देंगे तो ये जो हमारा पेस्ट है और चिपक जाएगा ढंग से। इस तरह से हमने इस पर छिड़क करके ये और मजबूती से चिपका दिया है। तब हमारा पॉट जब बाहर निकलता है तो ये सीमेंट की लेयर उस पर लग करके काफ़ी अच्छी आती है और बहुत अच्छी फिनिशिंग में हमारा पॉट निकलता है। दोस्तों सबसे पहले हम इसके तले में थोड़ी सी सीमेंट डाल करके नीचे बिठा देंगे। और इसको इस तरह से हिला करके हम इसके चारों तरफ इसके तले में इसको बिठा देंगे। दोस्तों अब हम इसके किनारे पर जो है सीमेंट की परत चढ़ा देंगे इस तरह से। तो इस तरह से दोस्तों ये बहुत थोड़ी सी सीमेंट में ही इस तरह का पॉट बन के तैयार हो जाता है और आसानी से ही ये घर पे बन जाता है। इसकी किनारी बनाने के लिए हम थोड़ी थोड़ी सीमेंट इस तरह से ले लेंगे और इसकी किनारी पर हाथ रख करके इस तरह से जो है हम उसको बनाते चले जाएंगे। इस तरह से हम इसकी किनारियों को बना लेंगे।
दोस्तों किसी चम्मच या चमचे की सहायता से अब आप इसकी अंदर की किनारी को एक सा कर लें इस तरह से। दोस्तों हमने ये तार ले लिया है, इस तरह का तार हमने काट लिया है थोड़ा सा, और इसको इस तरह से मोड़ करके हम ऐंठ देंगे। और इस तरह का हमने ये बना लिया है और हम इसमें इसको फिक्स कर देंगे सीमेंट में। इस तरह से हम इसके किनारों पे लगा देंगे, चारों किनारों पे हम ये लगा लेंगे। तो हमारी ये टांगने वाली दीवार पे भी आप इसे टांग सकते हैं, आप इसे ज़मीन पर भी रख सकते हैं और एक आसानी से हमारे घर पे ये टोकरी बन जाएगी। इसके अंदर हम किसी निपल की सहायता से नीचे ड्रेनेज होल बना देंगे इस तरह से। ताकि आपके पौधे की जड़ भी न गले। एक ड्रेनेज होल बन गया है इसके अंदर। तो दोस्तों 24 घंटे के लिए सूखने के लिए रख देते हैं हम इसे। तो इसे 24 घंटे का समय हो गया है, अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे, इसके किनारों को थोड़ा सा थोड़ा साफ कर लेंगे ताकि ये निकलने में आसानी रहे। इसको दोस्तों इस तरह से हम निकाल लेंगे इस पे। इस तरह का बन गया है दोस्तों, काफ़ी अच्छा पॉट बना है ये। अब आप इस पर कोई अच्छा सा पेंट करके इसे दीवार में टांग सकते हैं। इसमें ड्रेनेज होल भी हो गया है। नीचे ड्रेनेज होल हो गया है इसमें। तो दोस्तों ये इस तरह का बन गया है, मैंने इस पे कलर कर लिया है और ये अब आप इसे टांग सकते हैं दीवार पर और बहुत अच्छा ये बन गया है। इसी तरह दोस्तों मैंने एक पॉट इसी से ये भी बनाया है जो आप देख रहे हैं सामने। इस पॉट को भी मैंने इसी से बनाया था। इस पौधे को भी तकरीबन 5-6 महीने हो गए हैं इसमें लगे हुए, अच्छा डेवलप कर रहा है ये इसमें, और ये इसमें नीचे लटका हुआ काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम इन प्लास्टिक की टोकरियों से घर पे ही पॉट बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये पॉट बन जाते हैं। दोस्तों ये दीवार पर टंगा हुआ भी काफ़ी अच्छा लग रहा है।